सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने एपेक्स बैंक सभागार में जिला सहकारी केंद्र बैंकों के सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंकों के संचालन पर नजर रखना सीईओ का काम है। सीईओ बैंक में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखे और उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई भी करें। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सहकारिता विभाग का गठन कर गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता विभाग का दायित्व सौंपा है। सहकारिता क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अरविंद भदौरिया ने कहा कि उज्जैन, खरगोन और रायसेन के बैंकों ने किसानों को ऋण वितरण, वसूली और अन्य बैंकिंग गतिविधियों में दिए गए लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। इसके विपरीत सतना, मुरैना और दतिया के सहकारी बैंकों की लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों की कमजोर स्थिति है, ऐसे जिलों के सीईओ इस ओर विशेष ध्यान दे। उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले बैंकों के उदाहरण सामने हैं। यह स्वयं चिंतन करें कि अपने बैंकों के संचालन की गतिविधियों का विश्लेषण करें। भदौरिया ने कहा कि बैंकों की सुधार की गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर बनाएं, कैलेंडर में लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक इसी आधार पर की जाएगी कि किस बैंक ने कितना सुधार किया। अच्छा करने वालों को सराहा जाएगा, लेकिन लापरवाही करने वालों के लिए नरमी नहीं बरती जाएगी। भदौरिया ने शिवपुरी सहकारी बैंक में पाई गई गड़बड़ी को लेकर कहा कि इस घटना पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय बैंक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।